लिए सर घोषणा पत्र जारी किया गया है, प्रधानमंत्री ने संकल्प दोहराए हैं, क्या कहेंगे इस पे? ये घोषणा पत्र, इसको हम संकल्प पत्र बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी जी जब संकल्प प्रस्तुत करते हुए ये बोले कि ये मोदी की गारंटी भी है और इस गारंटी पूरे होने की गारंटी भी है, सोचिए मैं थ्रिल्ड हो गया सुन के कि अब 70 साल से ऊपर जितने लोग होंगे उनके इलाज का खर्च 5 लाख रुपए तक का खर्च अब सरकार उठाएगी। लेकिन कांग्रेस कह रही है महंगाई और रोजगार को लेकर प्रधानमंत्री कुछ बोले तक नहीं। नहीं, उनको समझ में नहीं आता है, वो सुनना नहीं चाहते हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की बात करी है उन्होंने, 3 करोड़ नए बेघर को घर देने की बात करी है उन्होंने, और 70 साल प्लस लोगों को अब 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा हर वर्ग के लोगों को, मध्यम वर्ग भी। तो आप ये कितनी बड़ी बात कर दी, जहां से आदमी का घर का खर्च कर्ज में बदल जाता है, उसको आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एड्रेस कर दिया है, सैल्यूट करते हैं। क्या 2047 का संकल्प पूरा करने में ये घोषणा पत्र मददगार बनेगा? 100%। और 2047 तक तो विकसित भारत की कल्पना है, लेकिन 2024 5 जून के बाद ये व्यवस्थाएं देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हर शोषित पीड़ित वंचित को मिलेगा। इसकी पूरी लाइनें अगर पढ़ ले कोई तो वो नरेंद्र मोदी जी के प्रति वैसे ही फिर से वोट देगा जैसे पहले उनको इतना संख्या में सीटें दिया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी सांसद मनोज जी, वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।